हेलो। हेलो हाँ जी, राजेश सर बोल रहे हैं, एडवोकेट राजेश सर बोल रहे हैं क्या? जी, वो बोल रहे हैं आप कौन? हाँ सर, मैं नमस्कार, मैं बिहार से बोल रहा हूँ। 2000 एक मैटर जानना सर जी, बताया जाए। हाँ कि मैं 2017 का BTET क्वालिफाई हूँ, हाँ और यहाँ कुछ जो बिहार के मूल निवासी हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, वो हाँ चाहते हैं कि मतलब बिहार में भी डोमिसाइल नीति लागू हो पूर्ण रूप से। तो सर, क्या ये संभव है कि नहीं है, मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ आपसे। तो हाँ, संभव हो सकता है। अगर ये बीटेट की बहाली जो होता है वो स्टेट का बहाली होता है, बिहार राज्य का बहाली है, अच्छा, और राज्य अपने स्पेशल पावर से उसके लिए नियम बना सकता है। हमारे यहाँ जो भी लड़के बहाल होंगे वो सिर्फ यूपी के ही बहाल, मतलब बिहार के ही बहाल होंगे। जैसे इसके आधार पे, मतलब झारखंड में जैसे हुआ, 100% कर दिया कि झारखंड के लोगों का ही 100% होगा। यूपी यूपी में भी नियम है कि यूपी टेट जो क्वालिफाई करता है उसमें 10% में अदर स्टेट के सभी लड़के आते हैं, 90% यूपी वालों के लिए रिजर्व है। तो स्टेट गवर्नमेंट इस पे अपना नियम बना सकता है, उसको फुल पावर है इसके बारे में, एब्सोल्यूट राइट है उसको। तो सर, जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे कि हमारे कुछ साथी बात किए थे किसी एडवोकेट से, तो उन्होंने कह रहे थे कि नहीं, अगर जैसे कि जिस तरह आपका TET के लिए जो दक्षता हुआ था, जो बिहार दक्षता हुई है, तो उसमें अगर ये बात की जिक्र नहीं है कि आपका डोमिसाइल नीति पूर्ण रूप से लागू हो, उसमें इस बात की अगर जिक्र नहीं है, तो इस 2017 में जो हुआ है तो वो नहीं हो सकता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। TET का जो एग्जाम होता है वो एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपका, कि आप TET 1 मतलब टीचर बनने के लिए योग्य हैं ये। लेकिन जो वैकेंसी होता है, जो टीचर का नियोजन होता है, नियुक्ति होता है, उसके लिए नियोजन टीचर नियमावली निकला हुआ है, उसका रूल होता है। उस प्रोविजन में अगर दिया हुआ है कि नहीं आपको बिहार के लोगों को ही लेना है, तो आपको बिहार के ही लोगों को सिर्फ उसमें राइट है फॉर्म भरने का, उसको ज्वाइनिंग करने का, तो ये सर, बाकी लोग उसमें नहीं आ सकते हैं। तो सर क्या हम लोग का ये राइट बनता है कि हम लोग इसको मांग करेंगे तो ये सफल हो सकता है? हाँ, काहे नहीं राइट बनता है, ये आपका अधिकार है, आप मांग कीजिए, कीजिएगा। इस स्टेट इस पे नियम बनाएगा और उसी नियम के आधार पे बहाली होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बहुत बहुत हाँ धन्यवाद सर, थैंक यू सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थैंक यू सर। मैंने तुझको देखा, तेरी ओर दिल फेंका, परी तू है वन की, कहना है नजरों का, चांद को कॉम्प्लेक्स दिया है तेरे चेहरे ने।